गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल। आज हम रीड करेंगे ए शॉर्ट एंड ऑब्वियसली रिटन इन वेरी स्मार्ट वे पैराग्राफ, जिसका टाइटल है या फिर टॉपिक है साइंस एंड मैन। लास्ट वीडियो में हमने पैराग्राफ रीड किया था साइंस एंड रिलीजन, आज हम रीड करेंगे साइंस एंड मैन। अगर आपको देखना है, समझना है साइंस एंड रिलीजन पर, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो देख सकते हैं। ओके, आइए इसको रीड करते हैं। मैन थ्रू आउट फ्रॉम द एजेस हैज़ बीन स्टडिंग नेचर। मैन जो है शुरू से ही नेचर पर स्टडी करता ही आ रहा है, काफ़ी टाइम से, काफ़ी एजेस से, काफ़ी इराज हो गए इसको स्टडी करते हुए नेचर के रिगार्डिंग, कि हम लोग कैसे जन्मे, हमारी उत्पत्ति कैसे हुई एंड सो ऑन। बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में डाउट बन के आती हैं और उसके बाद क्या होता है कि वो जो है एक ऐसी इन्वेंशन के रूप में कन्वर्ट हो जाती है, जिसके थ्रू चलते 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 हमारी लाइफ आजकल हो गई है एकदम स्मार्ट लाइफ। ही केम टू नो सम प्रिंसिपल्स, और उसको कुछ प्रिंसिपल्स पता चले। फ्रॉम दैट ही डेवलप्ड व्हाट इज़ नाउ नोन साइंस। उनके द्वारा उसने डेवलपमेंट की और जिसको इन दिनों साइंस कहा जाता है। साइंस रीजनेबल होती है, रीज़न पर बेस्ड होती है, हर एक चीज़ का कारण होता है, रिजल्ट होता है एंड ऑल दैट। इट इज़ सैड दैट डाउट इज़ द ओरिजिन ऑफ साइंस। ये कहा जाता है कि डाउट हमेशा से ओरिजिन रहता है साइंस का, दैट मीन्स बेस रहता है साइंस का। जब कोई डाउट रेज होता है उसके बाद एक डेवलपमेंट रेज होती है और उसी डेवलपमेंट को बोलते हैं साइंस। साइंस हैज़ चेंज्ड आवर लाइफ कम्प्लीटली। साइंस हमारी लाइफ को पूरी तरह से चेंज कर चुकी है, सब जानते हैं ये। वी कैन नॉट इवन थिंक ऑफ आवर लाइफ विदाउट इट। हमारी लाइफ इतनी चेंज हो गई है कि हम साइंस के बिना अपने लाइफ को अज्यूम भी नहीं कर सकते, सोच भी नहीं सकते। इट हैज़ मेड इट्स प्रेजेंस फेल्ट पावरफुली। इसने हमारी लाइफ में इतना अच्छा रोल निभाया है कि इसकी जो प्रेजेंस है वो बहुत पावरफुल हो गई है। तो कैसी लग रही है बिगनिंग इस पैराग्राफ की? अगर आपको अच्छी लग रही है तो जल्दी से जाइए, सबसे पहले लाइक शेयर कमेंट कर दीजिए और फिर हम इस वीडियो को पढ़ेंगे आगे। एक्चुअली क्या है कि जब मैंने ये यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था तो सभी लोग कहते थे कि यूट्यूब में टीचिंग की वीडियोस कौन देखता है, क्वाइट बोरिंग, क्वाइट टाइम वेस्टिंग एंड ऑल। तब भी मैंने सबको इग्नोर करके ये चैनल स्टार्ट किया है। नाउ वी हैव 120,000 अबव फैमिली मेम्बर्स, लेकिन तब भी व्यूज़ मेरी वीडियोज़ पर कम आते हैं। तो मैक्सिमम मेरे नोइंग अभी भी बोलते हैं कि यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, जो कि मुझे बहुत ही डिसअपॉइंटेड करता है। अगर आप लोग मुझे सपोर्ट करेंगे, मेरी वीडियोस को शेयर करेंगे, तो उस पर व्यूज़ ज़्यादा आएंगे और जिससे मुझे मोटिवेशंस मिलेगी और मैं अभी उनको बता पाऊँगी कि जिस तरह से लोग एंटरटेनमेंट में इंटरेस्टेड हैं उसी तरह से लोग नॉलेज में भी इंटरेस्टेड हैं। आज ही मैंने सुपर 30 मूवी देखी और उसको देख के मैंने रियलाइज़ करा कि नॉलेज के लिए भी लोग पागल हैं। ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ लोगों को एंटरटेनमेंट चाहिए, और ये ऑब्वियसली प्रूव है कि मेरे 120,000 से अबव फैन हैं विद इन 2 ईयर्स। लेकिन अगर आप मेरी प्रॉब्लम को या फिर मेरे को सपोर्ट करने के लिए इन वीडियोस को बहुत ज़्यादा शेयर करेंगे और इन पे बहुत ज़्यादा व्यूज़ आएंगे, तो हर एक को मैं बता पाऊँगी कि इंडिया में सिर्फ एंटरटेनमेंट ही नहीं, नॉलेज के भी लोग दीवाने हैं। लोग एजुकेशन से रिलेटेड वीडियो देखना भी पसंद करते हैं, सीखना पसंद करते हैं एंड ऑल। ओके, आइए इसको दोबारा रीड करें। मैन थ्रू आउट फ्रॉम द एजेस हैज़ बीन स्टडिंग नेचर। ही केम टू नो सम प्रिंसिपल्स, फ्रॉम दैट ही डेवलप्ड व्हाट इज़ नाउ नोन साइंस। इट इज़ सैड दैट डाउट इज़ द ओरिजिन ऑफ साइंस। Science has changed our life completely. We cannot even think of our life without it. It has made its presence felt powerfully. Man first come to know about fire. इंसान को सबसे पहले आग के बारे में पता चला। सबको पता चला है, सबको पता है, और जिनको नहीं पता है उनको मैं बता दूं कि आग के बारे में पता तब चला जब इंसान ने दो पत्थर को अनजाने में रगड़ा और उस पर से उनमें से आग निकली। द
तो पत्थर को रगड़कर आग निकलती है और इससे हुई आग की इन्वेंशन। और इस टाइम तो आग इतनी आसान है कि हम लाइटर से अपनी गैस जलाते हैं एंड कई आग को कई तरह से यूज़ कर लेते हैं, कुकिंग वगैरह में भी एंड सर्दियों में लकड़ियाँ जलाकर हाथ सेकने के लिए भी, माचिस की से भी आग जला सकते हैं। तो अब पत्थर का इस्तेमाल ना करके बहुत वेज हैं आग को जलाने के लिए, लेकिन स्टार्टिंग में जब इन्वेंशन हुई थी तो दो पत्थर आपस में टकराए थे और उनमें से आग निकली थी। तो ये शॉक पीरियड था ह्यूमन के लिए, वो देख रहा था कि इतनी रोशनी कैसे आई दो पत्थरों को टकराने में या फिर उनकी टकरार से। और धीरे धीरे पता चला कि यह फायर है, फिर धीरे धीरे पता चला कि इसके कुछ यूज़ भी हैं। जब उसको ठंड लगी तो वो गर्मी देने लगी एंड धीरे धीरे पता चलने लगा कि और भी तरीके हैं जिससे हम फायर जला सकते हैं और भी तरीके हैं जिससे हम इसको यूज़ में ला सकते हैं। आइए इसको रीड करते हैं आगे। इट मेड हिज लाइफ कम्फर्टेबल, ऑब्वियसली फायर ने हमारी लाइफ को काफ़ी कम्फर्टेबल बनाया है। देन ही केम टू नो द आर्ट ऑफ स्विमिंग, तब उसको स्विमिंग की आर्ट पसंद जान उसको स्विमिंग करनी आई, स्विमिंग कैसे करते हैं ये समझ में आया। ही मेड स्मॉल बोट्स, उसने छोटी छोटी बोट्स बनाई, क्योंकि जब पता चला कि हम स्विमिंग करते हैं तो हम पानी के ऊपर रहते हैं और ऊपर किस वजह से रहते हैं, जब उसका रीज़न समझ में आया तो उसी रीज़न को समझ कर उसी जो है लॉ को उसी प्रिंसिपल्स को फॉलो करके बोट बनाई गई और बोट भी डूबी नहीं, पानी के ऊपर तैरी और जिससे हम वन प्लेस से दूसरे प्लेस पर विजिट करने लगे। आफ्टर सम ईयर्स ही वॉज एबल टू बिल्ड शिप्स, और इसके बाद लोग बढ़ने लगे, पॉपुलेशन बढ़ने लगी, तो इतने बड़े बड़े जहाज बनने लगे जिसमें एक ही साथ में काफ़ी सारे लोग और काफ़ी सारा सामान एक प्लेस से दूसरे प्लेस पर जाने लगा। इन द बिगनिंग मैन इन्वेंटेड सिंपल इंस्ट्रूमेंट्स, शुरुआत में मैन ने सिंपल इंस्ट्रूमेंट डेवलप करे, इन्वेंट करे यानी कि खोजे। बट विद द पासेज ऑफ टाइम ही डेवलप्ड मशीन्स, लेकिन जैसे जैसे टाइम पास होता चला गया तो मशीन्स डेवलप हुई। एट फर्स्ट ही मेड मिलस्टोन, सबसे पहले मिलस्टोन बनाई, और ये कैसी मिलस्टोन थी, रन बाय वाटर, जो वाटर से चलती थी। नाउ ही वर्क्स इट विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, और अब ये मिलस्टोन चलती हैं इलेक्ट्रिसिटी की हेल्प से। आइए इसको दोबारा से रीड करें, आप भी मेरे साथ रीड कर सकते हैं। Man first came to know about fire. It made his life comfortable. Then he came to know the art of swimming. He made small boats. After some years, he was able to build ships. In the beginning, man invented simple instruments, but with the passage of time, he developed machines. At first he made millstone run by water. Now he works it with the help of electricity. आइए इसको आगे रीड करें। आगे रीड करने से पहले मैं कहना चाहूँगी कि जिन लोगों ने मेरे का चैनल अभी तक सब्सक्राइब करा है, मेरी वीडियोस को लाइक की हैं, शेयर किया है, कमेंट किया है, उनके लिए थैंक यू सो मच। और जो लोग आज मेरे इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, जल्दी से जाइए, क्लिक कर दीजिए सब्सक्राइब आइकन, देन दी बेल आइकन, सो दैट हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और ये भी प्रूव हो जाए कि इंडिया ऑल्सो क्रेजी फॉर गेट नॉलेज। इंडिया में सिर्फ मस्ती नहीं होती, नॉलेज भी इंडियंस को चाहिए। आइए इसको आगे रीच करें। द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ चेंज्ड एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ, जब इलेक्ट्रिसिटी की खोज हुई तो हमारी लाइफ का हर एक स्फीयर ही चेंज हो गया। ऑब्वियसली बल्ब चलने लगे, फैन चलने लगे, कूलर, एसी एंड इलेक्ट्रिसिटी से इतनी सारी मशीन्स, इतनी सारी जस्ट लाइक वॉशिंग मशीन, रेफ्रिजरेटर, टीवी एंड इसके अलावा जो हैं फैक्ट्रीज में बहुत सारी मशीन्स, ट्रैक्टर एंड पता नहीं क्या क्या, कब कब कैसे कैसे इतनी सारी चीज़ें लॉन्च हुई कि लगने लगा कि हमारी लाइफ ही बदल गई है। साइंस हैज़ गिवन अस सो मैनी मेडिसिंस टू फाइट विद द डिसीजेज, साइंस ने हमें इन्वेंट करके बहुत सारी मेडिसिंस दी जिससे हम डिसीजेज से आराम से लड़ सकें, दैट मीन्स हम जल्दी से ठीक हो सकते हैं। इट हैज़ प्रोवाइडेड अस विद रेडियो, टी वी सेट, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एट्सेट्रा, सब जानते हैं कि साइंस की ही देन है रेडियो, टी वी सेट, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एंड एट्सेट्रा। इसके अलावा अगर आप लिखना चाहें तो वॉशिंग मशीन, स्मार्टफोन्स, मोबाइल्स, लैपटॉप, पीसी एंड बहुत सारी चीज़ें हैं
ऑब्वियसली सब बच्चों को पता है, व्हीकल्स हैं एंड ऑल दैट. सो साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ्स वेरी कंफर्टेबल. इसलिए साइंस ने हमारी ज़िंदगी को बना दिया बहुत ही आरामदायक. आजकल हम अपने घर की हर एक चीज़ को, अगर वो स्मार्ट चीज़ है, तो कहीं पर भी बैठकर कंट्रोल कर सकते हैं. एलेक्सा जो है स्मार्ट डिवाइस है, मैंने भी वो हाल ही में परचेज़ की है. काफ़ी अच्छी डिवाइस है, काफ़ी अच्छा स्पीकर है वो, एंड काफ़ी यूज़फुल भी है. इस तरह से अगर हमारे घर में सारी चीज़ें स्मार्ट हैं, तो हम उसको अलेक्सा से कनेक्ट करके कहीं पे भी उन चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हैं. तो साइंस ने हमारी लाइफ बहुत इजी भी बनाई है, बहुत कंफर्टेबल भी बनाई है. आजकल अगर हमें दिल्ली से अमेरिका जाना है, और अमेरिका से लंदन, और लंदन से न्यूयॉर्क, और न्यूयॉर्क से पेरिस, कहीं पे भी जाना है, तो हम बहुत ईजिली अप डाउन कर सकते हैं बिना स्ट्रेस के और बिना थकावट के. तो बहुत लाइफ सिंपल हो गई है. आइए इसको रीड करें दोबारा से, आप लोग भी मेरे साथ रीड कर सकते हैं. द इन्वेंशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी हैज़ चेंज्ड एवरी स्फीयर ऑफ आवर लाइफ. साइंस हैज़ गिवन अस सो मेनी मेडिसिंस टू फाइट विद द डिसीजेज. इट हैज़ प्रोवाइडेड अस विद रेडियो, टीवी सेट, सॉरी ये टीवी के बाद कोमा नहीं आएगा, सेट आएगा डायरेक्टली. तो इसे मैंने वाइटनेस से रिमूव कर दिया. टीवी सेट, रेफ्रिजरेटर्स, एयर कंडीशनर्स एट्सेट्रा. सो साइंस हैज़ मेड आवर लाइफ वेरी कंफर्टेबल. ओके, बाय बाय, हैव अ गुड डे.